स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत बड़ी चीज जो आपके शिक्षक भर्ती का आयोजन बीपीएससी के द्वारा होने जा रहा है, अभी आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें बीएड को आपका प्राथमिक की जो है वरीयता जो होनी चाहिए उससे बाहर कर दिया गया, यानी बीएड डिग्री धारक अब प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस समय सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है और अब उन्हें बीपीएससी के द्वारा, जैसे आज उम्मीद थी कि बीपीएससी एक क्लियर कट बात करेगी जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नतीजा रहा, क्या बीएड वाले पेपर देने जाएं उनके लिए क्या चीजें कही गई, तो इस मुद्दे पर जब हम बात करते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें जो एक चीज निकल के आई, बीपीएससी के जो आपके चेयरमैन हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बोला कि चूंकि जब आवेदन लिया जा रहा था तो आवेदन के दौरान बीएड डिग्री धारक वाले भी आपके योग्य थे, ठीक है, तो इसलिए उनको हम परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। जैसे राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान में बीएड डिग्री धारकों को रोक दिया गया था, जो है उनके एडमिट कार्ड शायद किसी को लेकर रोके गए थे, तो वो लोग चैलेंज करने पहुंच गए थे कहां पर, कोर्ट में, तो कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला दिया था। वैसे ही बीपीएससी के चेयरमैन का भी कहना है चूंकि उन्होंने जब आवेदन किया उस दौरान वो पूरी तरीके से एलिजिबल थे इसलिए उनको हम यहां पर प्रारंभिक परीक्षा में नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, तब हम किसी अभ्यर्थी के जो है के द्वारा उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं क्या वो इस पद के लिए योग्य है कि नहीं है, और तब तक वो कह रहे हैं कि हम इसका इंतजार करेंगे कि हमें एनसीटीई के द्वारा, ठीक है, आपका एक क्लियर कट जब तक जो है घोषणा जारी नहीं कर दी जाती है तब तक वो किसी को भी उस परीक्षा में बैठने से नहीं रोक रहे। तो जिनके सामने ये असमंजस की स्थिति बनी थी कि हम परीक्षा देने जाएं कि ना जाएं, एडमिट कार्ड चूंकि आ चुका है आप परीक्षा देने जा सकते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा कि क्या हम योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा अभी आपका उठा के, ठीक है, डाल दिया गया है कि जब आपका एनसीटीई का डिसीजन आएगा, ठीक है, वो जो आपका निर्देश जारी करेगी हम उस तौर पर फिर डीबी में अभ्यर्थियों के साथ जो है उनके लेखों जो है जितने भी उनके द्वारा डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं उसकी हम परीक्षा करेंगे। तो अभी भी बात अधर में अटकी है, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर को कहीं ना कहीं पूरा ऑर्डर देखा जाए, जैसे शुरू में ही ये होने लगा, अभी तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि ये गुंजाइश पूरी बनती है, क्योंकि जब ब्रिज कोर्स करा करके, ठीक है, बीएड के अभ्यर्थियों को, इससे पहले हुआ है कि बीएड के अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के जो है प्राथमिक में नियुक्ति दी गई, तो ऐसा भी आपकी पूरी संभावना बनती है। अब रही बात की नहीं क्या हम 100% होंगे, तो अभी 100% कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आप एलिजिबल होंगे, ये सारी की सारी चीजें अभी जो है भविष्य के गर्भ में है और वो कोई नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा। तो जो लोग देना चाहते हैं वो जाकर के एक बार दे सकते हैं, पूरी तैयारी जिन्होंने कर रखी है बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मैं जरूर सुझाव दूंगा कि आप परीक्षा दे आइए, बाकी होना ना होना ये चीजें तो आपकी जो है बात की चीजें हैं एलिजिबिलिटी। तब तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी उम्मीद है, कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम आएगा, ठीक है, सरकारें कुछ ऐसा जरूर करेंगी कि आपका क्या हो ना होगा तो ब्रिज कोर्स ही करा के, ब्रिज कोर्स के जो लोग कर लेंगे और उनको फिर क्या कर दिया जाएगा, बीटीसी में, मतलब जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनमें आहरी कर दिया जाएगा, ठीक है। बहरहाल अभी इस मुद्दे पर जब तक वहां से आपका कोई फैसला नहीं होता तब तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो बीपीएससी के चेयरमैन का कहना था वो उन्हीं के भरोसे टाल चुके हैं। उन्होंने यह कहा है कि अब जो है कोई भी अभ्यर्थी अब जो है जिसने फॉर्म अप्लाई किया है हम उसको रोक ना रहे, वो आकर के परीक्षा दे सकता है। ये आज की आपकी बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस न्यूज रही। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी उन्होंने बोला है कि हम हटाएंगे, अन्य भी कई चीजों पर उन्होंने बात की जिसमें मूल आपकी परिचर्चा ये रही। तो अन्य कोई अपडेट होती उसके बारे में आपको फिर से पुनः बताऊंगा कि जो भी सूचना मिलती है, इसीलिए चैनल को आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी पुश कर दें ताकि आपको कोई भी ऐसी जानकारी होती है तो जल्द ही मुहैया करा दी जाए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।